हाय गाइस, आई एम सुमित कुमार प्रजापत। आज हम आपको बताएंगे पास्ता कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम आज पास्ता बनाते हैं आपके लिए। चलिए पास्ता हम बना लेते हैं। पहले पास्ता को उबाल लेते हैं, और पास्ता जब तक उबलता है जब तक हम शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और प्याज की कटिंग कर लेते हैं। और जब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस अमेजिंग वीडियो और देखने के लिए हमारे साथ, और कमेंट में लिखना ना भूले कि पास्ता कैसे बने हैं। तो चलिए गाइस, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, और अब थोड़ा सा इसके अंदर पास्ता में कलर डालेंगे हल्का सा, जिससे क्या होता है कि अच्छा दिखे हमारा पास्ता। थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, केसरिया कलर डाला है जिससे सुनहरा कलर आए पास्ता का। और हमारा पास्ता उबल के तैयार हो चुका है। अब इसे हम बंद कर देते हैं, और अब चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसके अंदर तेल डालेंगे और थोड़ा सा जीरा लेंगे हम इस बघार में देने के लिए, और हमने उसमें प्याज डालेंगे। फिर थोड़ा सा प्याज पकने के बाद उसमें कटिंग की हुई शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, हल्दी, नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे हल्की सी, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे विनेगर और ग्रीन चिल्ली सॉस, और सोया सॉस, और जो टमाटर सॉस है वो हम लास्ट में डालेंगे, और थोड़ी देर हम पकने देते हैं इसको। जब तक हम पास्ता को पानी से निकाल लेते हैं, और पास्ता चिपके नहीं, इसीलिए हम पानी निकाल के एक साफ़ पानी से और उसको धो लेते हैं पहले। जब तक हम पास्ता पानी से निकाल के लेके आए हैं, और अब पास्ता डाल दिया हमने इसमें। पास्ता डालने के बाद थोड़ी देर में इसे और हिलाएंगे, और हमारा पास्ता तैयार है। थोड़ी देर पकने देते हैं इसको हम थोड़ा सा। ये देखिए हमारा पास्ता पक रहा है थोड़ा सा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसमें हम ऊपर से डालेंगे सॉस, टमाटर सॉस डालेंगे, और रेडी है हमारा पास्ता। और अब हम इसे बना लिए पास्ता।